इका लिखियो। तो हमार नाम है। शायद आपके कम अकल बेटा आपको बताना भूल गया कि हम सिर्फ वकील की बेटी नहीं है बल्कि खुद वकील है। हमारा अंदाज तो ये जेल में देख ही चुके हैं। आपने माफी मांगने के बहाने जैसी छिछोरी हरकत की है। कोर्ट में रोज हमारा ऐसी चीजों से पाला पड़ता है। हम अपने क्लाइंट को सलाह देते हैं कि बिना पढ़े कोई पेपर पर साइन ना करें, तो हम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? इसमें हमने हमारा नाम नहीं आपका नाम लिखा है, और अब ये पेपर तो वैलिड है ही नहीं क्योंकि इसमें हमारा नाम नहीं है। ये पेपर रद्दी का टुकड़ा है। अब आप अपने रद्दी से भी बदतर बेटे को लेकर यहां से जा सकती हैं। शाबाश बेटा, आज हम तुम्हारा इस सूझबूझ से ना बहुत ही खुश हुए, और तुम हमारा एक बात सुन लो, जितना नालायक तुम्हारा एक बेटा है ना, उससे कहीं ज्यादा जो है तुम हो। उपा कहते हैं जो कुआं में होता है वही ना घड़ा में आता है। तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम्हारा पाला जो है वो किससे पड़ा है। दावनी दे रहे हैं बेटा से कह करना, इतना तगड़ा केस बनवाएंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा बेटा तो उसमें फंसेगा ही, तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। तुम दोनों को जो है कोर्ट में देखेंगे। अब तुम दोनों उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। बहुत पी लिए पानी, बहुत हो गया सम्मान, समझे? अब बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी सास बहू की। अब रोने की तैयारी कर लो कि हमको जेल भेजने का जो मामला था वो कुछ और था, पर हमारी अम्मा से उलझ के ना तुम दोनों ने अपनी कुंडली में सनिच्चर बुला लिया। हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, देखना। चलो अम्मा। सारी दुनिया जाग गई और ये अभी तक सो रहे हैं। चलो रागिनी सिंह, तुम्हारा ब्लैक टी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है,